ओम ठीक रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथ पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतकृकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संशयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ अस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्जुन, ये सब मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र जितने भी भूत प्राणी हैं ये अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न के बिना नहीं। अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? वो पर्जन्य मेघों से उत्पन्न होता है। मेघ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कहा वर्षा से उत्पन्न होते हैं। पर्जन अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। देवताओं के निमित्त यज्ञ किया जाता है, उससे बादल आते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कहाँ से होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ कर्म से होता है। कर्म कहाँ से होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्म नाम यहाँ वेद का है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। ब्रह्म तत्त्वं तपोवेदो ब्रह्मा ब्राह्मण एवच। ब्रह्म का मुख्य अर्थ तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व ही होता है, ब्रह्म तत्व। परंतु जो ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं उनको भी ब्रह्म नाम से कहा जाता है। ब्रह्म तत्व तपो तप माने ब्रह्म प्राप्ति के साधन विवेक वैराग कर संपत्ति मुमुक्षुता, इनको भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म तत्व तपो वेद और वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ब्रह्म को वेद कहा गया। ब्रह्मा ब्रह्मा जी को भी कहीं ब्रह्म नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा ब्राह्मण और ब्राह्मण को कभी कहीं पर ब्रह्म नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म के इतने अर्थ होते हैं, परंतु जैसा प्रसंग चल रहा होता है उस प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लिया जाता है। जैसे सेंधव मान सेंधव आनर सेंधव नाम सेंधव नमक भी होता है। सेंधव नाम
एक घोड़े का भी होता है। अब सेंधो नाम का नमक भी है, घोड़ा भी है। कोई कहे सेंधो लाओ तो देखना चाहिए किसका प्रसंग है, समय देखना चाहिए। यदि भोजन का प्रसंग हो, अब कोई कहे सेंधो लाओ तो सेंधो का अर्थ नमक जानना चाहिए कि नमक मांग रहा है, सेंधो नमक। और गमन का प्रसंग हो, कहीं जाना हो, और कोई कहे सेंधो लाओ तो गमन के प्रसंग में अश्व घोड़ा लाना चाहिए। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लिया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म शब्द का अर्थ भी प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है। तो इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, कर्मों की उत्पत्ति वेद से होती है। वेद में सब प्रकार के विधान हैं यज्ञ कर्म करने के, और ब्रह्म की उत्पत्ति माने वेद की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अक्षर समुद्भवम। यहाँ अक्षर का अर्थ अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से भई है। बस फिर अविनाशी परमात्मा की उत्पत्ति तो भई नहीं है, इसलिए अविनाशी परब्रह्म परमात्मा ही सब भूत प्राणियों से लेकर के और यज्ञ कर्म पर्यंत, वेद पर्यंत सबका कारण हुआ। तो कारण अपने कार्य में व्यापक होता है। तो कारण ब्रह्म इन सब में व्यापक है। वेद में और कर्म में और यज्ञ में और पर्जन्य में और फिर अन्न में, और अन्न से सब भूत प्राणी भय, सब भूत प्राणियों में भी सर्वत्र व्यापक है ब्रह्म। क्योंकि कारण है ना, कारण कार्य में व्यापक ही होता है, और अंत में कार्य अपने कारण में ही लय हो जाता है। जैसे माटी से घटपट उत्पन्न होते हैं, फिर माटी में ही लीन हो जाते हैं। जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं, जल में ही रहती हैं, अंत में जल में ही लीन हो जाएंगे। सुवर्ण से आभूषण उत्पन्न होते हैं, सुवर्ण में ही रहते हैं, अंत में सुवर्ण में लीन हो जाते हैं। तो सत्य सुवर्ण भया, उसी को अक्षर अविनाशी कह सकते हो। इसी प्रकार से ब्रह्म से ये चराचर जगत उत्पन्न होता है, अब ब्रह्म में ही रहता है, पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ब्रह्म को ही अनेक नामों से कहा जाता है, ब्रह्म तत्त्वम तपो वेद ब्रह्मा ब्राह्मण एवच, अनेक नामों से ब्रह्म को ही कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक ही बात है। इस प्रकार से अर्जुन, ये सब संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसलिए ब्रह्म से अलग नहीं है। सुवर्ण से आभूषण उत्पन्न होते हैं तो सुवर्ण से अलग नहीं है। सूत्र से ये सब वस्त्र बनते हैं तो सूत्र से भिन्न ये कोट कमीज पैंट ये सब सूत्र से भिन्न नहीं है। सूत्र निकाल लो तो फिर वस्त्र कुछ भी नहीं है। सोना निकाल लो तो आभूषण मुकुट कुंडल कंडा कंठा फिर कुछ नहीं है। सुवर्ण के बिना कार्य की स्थिति नहीं है आभूषणों की।
ऐसे अस्थिभाति प्रिय रूप से ब्रह्म ही इन सब में व्यापक है, सूत्र रूप है ब्रह्म। ये सब शरीर वस्त्र रूप हैं, तो ब्रह्म के बिना फिर ये शरीर कुछ बसते ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने ये बताया, नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ते नियः अघायुरिंद्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। अर्जुन, इस प्रकार से ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो जो मनुष्य इस चक्र का अनुकरण नहीं करता है वो संसार में मिथ्या ही जीवित रहता है, मोघम पार्थ जीवित, उसका जीना व्यर्थ ही है। इसलिए इस चक्र के अनुकरण करना चाहिए। मोघम पार्थ सजीवती। और अर्जुन, ये सब यज्ञ आदि करके, अंतःकरण के शुद्धि करके, भगवान की भक्ति करके और गुरु की शरण में जा करके जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, अपनी आत्मा को पहचान लिया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, फिर वो कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्जुन, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जिसकी रति माने प्रीति अपनी आत्मा में ही है, अन्य किसी में नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारा अपना आत्मा ही होता है, आत्मा से प्यारा कोई नहीं होता है। कहते स्त्री पुत्र धन ये भी तो प्यारे होते हैं, कहा सब अपने आत्मा के लिए प्यारे होते हैं, कोई स्त्री पुत्र धन के लिए प्यारे नहीं होते, ये सब अपने सुख के लिए आत्मा के लिए प्यारे होते हैं, आत्मा से प्यारा कोई नहीं होता। प्रीता की तारतम्य बताई गई है कि वित्तात् पुत्रः प्रियो पुत्रात् पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम् इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणात् आत्मा प्रियः परः। कहते सबसे कम प्रीति धन में होती है, सोना चांदी रुपया पैसा ये सब धन कहा जाता है। ये किस काम में आता है, कहा रोटी कपड़ा मकान, इसी काम में ये धन आता है। पैसा दे दो, बदले में अन्न ले लो, आटा दाल चावल ले लो और कपड़ा ले लो पैसा पैसा से। यदि इस काम में धन ना आवे, एक तो धन से सोना चांदी से किसी की प्यास तो बुझती नहीं है, प्यास तो पानी से बुझेगी, और पेट भी भरता नहीं है, कोई खाने के काम में तो सोना चांदी आता नहीं है, एक देखने की चीज है चाहे सोने का मकान बना हो, पर उससे भूख तो नहीं मिटेगी। इसलिए ये लेन देन के काम में व्यवहार में यदि ना हुए तो माटी का माटी है, सोना चांदी माटी वैसे भी माटी ही है, पृथ्वी तत्व की चीजें हैं ये सब, सोना चांदी हीरा लाल जवाहरात सब माटी के ही भीतर रहते हैं, पृथ्वी का रूप है ये सब।
इसलिए लेन देन के काम में आते हैं, इसलिए इनमें प्रियता है, क्योंकि अन्न मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, मकान मिल जाएंगे, तो अन्न से तो भूख मिटेगी ना, और उस धन से अन्न मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, पहनने का काम देगा, तो इस व्यवहार के लिए है वो, इसलिए धन प्यारा लगता है। वित्तात् पुत्रः प्रियो पुत्रात् पिण्डः, धन से ज्यादा प्यारा अपना पुत्र लगता है, क्योंकि पुत्र के पढ़ाने लिखाने में लोग इतने कष्ट से कमाए हुए धन को लगा देते हैं, तो पुत्र ज्यादा प्यारा है धन से। और पुत्रात् पिण्डः, और पुत्र से प्यारा अपना शरीर होता है, पुत्र इस शरीर के संबंध से प्यारा लगता है, इस शरीर के साथ में पुत्र का नाता रिश्ता है, संबंध है, इसलिए वो प्यारा लगता है, नहीं तो अपना शरीर ही प्यारा लगता है। उस शरीर से प्यारा कहा, पिंडात्त है, इंद्रियां प्यारी लगती हैं, आंख कान नाक आदि ये ज्यादा प्यारे हैं। कोई मारने आवे तो लोग कहते हैं कि दो चार डंडा चाहे पीठ में मार ले, पर मेरी आंख नहीं निकालना, नाक नहीं काटना, कान नहीं काटना, इंद्रियों की रक्षा करता है ये, शरीर से ज्यादा इंद्रियां प्यारी। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है या स्थूल शरीर है, और इंद्रियाच प्रिय प्राण, और इंद्रियों से भी प्यारा क्या है, कहा प्राण। जब कोई नेत्रादि इंद्रियों में कोई रोग हो जाए, आंख में कान में नाक में, तो ऐसा रोग हो जाए कि आंख में मवाद पड़ जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, और डॉक्टर कहे कि ये एक आंख निकला दो, नहीं तो ये जहरीली मवाद तुम्हारे सारे शरीर में फैल जाएगी और तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तो सभी अंग चले जाएंगे, तो मरीज कहता है अच्छा डॉक्टर साहब हमारी एक आंख निकाल दीजिए, प्राणों की रक्षा के लिए एक आंख त्याग देता है। तो इंद्रियों से ज्यादा प्यारे प्राण होते हैं, और प्राणों से ज्यादा प्यारा कहा प्राणात् आत्मा प्रिया परः, प्राणों से ज्यादा प्यारा अपनी आत्मा होती है। जब किसी को बहुत कष्ट होता है, उससे दुख सहा नहीं जाता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मेरे जल्दी प्राण चले जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। अब दुख सहा नहीं जाता है, इतना ज्यादा दुख है। कितने लोग तुरंत ही आत्महत्या कर लेते हैं, गंगा जमुना में कूद जाते हैं, कुआं में कूद जाते हैं, कोई जहर खा करके, कोई अग्नि जला के मर जाते हैं। जब बहुत दुखी कोई होता है तो प्राणों को छोड़ना चाहता है, प्राण नहीं अच्छे लगते, उसको जीना नहीं अच्छा लगता है, एक एक पल जो है उसको वर्षों के समान बीतता है, बहुत दुखी जब होता है। कितने गोली मार करके तुरंत मर जाते हैं। आत्मा से प्यारा प्राणात् आत्मा, प्राणों से ज्यादा प्यारा आत्मा है, इसलिए आत्मा परम प्रिय है। और ये स्त्री पुत्र धन और आदि किस लिए प्यारे हैं, अपने लिए ही ये सब प्यारे हैं, आत्मा से प्यारा कोई नहीं होता है। सज्जनों, सबसे प्रियतम है आत्मा। तो प्राणात् आत्मा प्रियः परः, इसलिए जिसने अपने आत्म तत्व को सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा का, सत है इसलिए मृत्यु नहीं होती, चिद है इसलिए अनंत अखंड ज्ञान है, और आनंद है माने अत्यंत तो प्यारा है, प्रियते कि आनंद सुख स्वरूप है। प्रिय नाम आनंद का है, प्रिय नाम सुख का है, आत्मा से ज्यादा सुख और किसी में नहीं।
सत्य आनंद का समुद्र है आत्मा तो, और बाकी संसार में सुख तो एक आत्मा का एक बिंदु है। सारे संसार में आत्मानंद का एक बूंद का सुख है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। इस आत्मा के आनंद सिंधु के एक बूंद से सारा संसार आनंदित हो रहा है। वो आत्मा तो आनंद का सिंधु है, इसलिए अर्जुन आत्मा को जिसने पहचान लिया है उसकी और में प्रीति कैसे होगी? आत्मा में ही प्रीति होगी। और जितने कर्म किए जाते हैं वो सुख के लिए किए जाते हैं, हर कर्म सुख के लिए किया जाता है। तो आत्मा को जब जान लिया सबसे सुखरूप आत्मा है, तो वो कर्म सब उसके खत्म हो गए। तो ये स्वात्मरति रेवस्या, जिसकी अपने आत्मा में ही प्रीति, ये स्वात्मरति रेवस्या आत्म तृप्तस्य मानवः, और आत्मा में ही तृप्त है। आत्मनेव च संतुष्टः, और आत्मा में ही अब संतुष्ट हो गया है। अब उसको कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ चाहिए नहीं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ भी कर्म शेष नहीं रहता है। कुछ चाहिए, और चाहिए किसको? जिसको कुछ अपूर्णता हो, सुख की कमी हो, तो उसको सुख के लिए कुछ करना चाहिए। तो सुख से जो पूर्ण है अब वो क्या करे? अनंत सुख मिल गया है तो सुख के लिए सब कर्म करना था। स्त्री पुत्र धन अपने सुख के लिए थे, सो अपना आत्मा ही सुख रूप निकला, बाहर कहीं सुख नहीं है। तो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त हुआ है, अब इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अर्जुन कुछ भी कर्म नहीं। और जिसने आत्मा को नहीं जाना है तो आत्मा के जानने के लिए उसको पहले निष्काम कर्म करना चाहिए। ये जो पीछे बताया है, ये यज्ञादिक जितने कर्म हैं वो सब आत्मा के जानने के साधन हैं। तो निष्काम भाव से, भगवद अर्पण बुद्धि से उसको निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तब फिर भगवान की भक्ति करना चाहिए। निष्काम कर्म भी छोड़ देना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म से जब अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो सर्वधर्मान परित्यज्य, अब सब धर्म कर्मों को छोड़ दो, केवल मुझ परमात्मा की ही भक्ति करो। अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब मेरी ही सेवा में लगाओ। तो कर्म योग का त्याग होकर भक्ति ज्ञान, भक्ति कांड आ जाता है। फिर भक्त को भगवान ज्ञान देते हैं, तो फिर एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। आत्मा परमात्मा का भगवान एकत्व बताते हैं। तो ज्ञान कांड में एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। भक्ति कांड में भक्त और भगवान दो रहते हैं, द्वैत रहता है। ज्ञान में एकत्व, भक्ति में द्वैत, कर्म में नानात्व। क्योंकि देवी देवता की यज्ञ करना है, माता पिता भ्राता भगनी की सेवा पूजा भी करना है, पत्नी पुत्र परिवार का पालन पोषण, ये सब कर्मयोग में सब आते हैं।
तो नाना तो रहता है, बहुतों की सेवा पूजा, पर भक्ति योग में ये सब छूट जाते हैं, एक भगवान। अब ज्ञान योग में भगवान ज्ञान देते हैं कि ये अर्जुन मैं ईश्वर और तू जीव एक ही है स्वरूप से, और ये चराचर जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है इसलिए ये भी मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही रूप है, तो एक ही रह गया। मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझी में रहता है, फिर मुझ में लीन हो जाता है, एकत्व हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।